बहुत सारे कंटेस्टेंट्स हैं जिनको घर के अंदर रहते रहते ही बाहर प्रोजेक्ट्स मिल गए थे, जिनमें शालीन भनोट, प्रियंका चहर चौधरी, निमृत कौर आलूवालिया शामिल हैं। वही हम आपको बता दें कि टीना दत्ता को भी एक शो मिल चुका है जो कि टर्किश ड्रामा की अडेप्टेशन होने वाली है। टीना दत्ता बहुत टाइम के बाद टीवी पर कमबैक करेंगी इस नए शो के साथ, जिसे टेंटेटिवली टाइटल दिया गया है मेरे अपने। टीना दत्ता के इस शो को लेकर फैंस बहुत एक्साइटेड है और ये ड्रामा भी बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है, जिसमें टीना के साथ साथ नजर आएंगे एक्टर ताहिर शब्बीर, चेष्टा भगत, मोहित अब्रोल। ये नई स्टार कास्ट है जिसके साथ टीना पहली बार काम करेगी। इसी शो को लेकर कहा जा रहा है कि टीना ने ऑलरेडी स्क्रिप्ट रीडिंग स्टार्ट कर दी है। सिर्फ एक शो ही नहीं, जब टीना शो के अंदर थी बिग बॉस के, तब भी कहा जा रहा था कि टीना को एक साउथ इंडियन फिल्म भी मिल चुकी है। हालांकि इस फिल्म की डिटेल्स अभी तक आउट नहीं हुई है, लेकिन टीवी पर वो श्योरली इस नए शो मेरे अपने के साथ कमबैक करने वाली है। टीना दत्ता की बात करें तो बिग बॉस 16 में वो चर्चा में बनी रही शालीन भनोट के साथ अपने कंफ्यूज्ड रिलेशनशिप की वजह से, और बिग बॉस के फिनाले में उन्होंने ये भी साफ साफ कह दिया कि वो बाहर शालीन भनोट से नहीं मिलना चाहती हैं।